राजनांदगांव जिले में होली के त्योहार को लेकर खाद्य विभाग की टीम ने स्वास्थ्य की दृष्टि से होटलों और खाद्य सामग्री की दुकान में जांच कर मिठाइयों के सैंपल लिए। इस दौरान खाद्य अधिकारी डोमेन माथुर ने बताया कि जलाराम और मिलन स्वीट से सहित अन्य संस्थाओं से भी खोवा तेल के सैंपल लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि त्योहारों के समय मावा और मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है, इसलिए जांच करना अनिवार्य रहता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खोवा के अलावा खाद्य सामग्री तेल के सैंपलों की भी जांच की जाती है और सैंपल गलत पाए जाने पर 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लिया जाता है। यह त्योहारी सीजन को देखते हुए जनरली खोवा या और बाकी मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है, तो इसीलिए एक रूटीन जाँच प्रक्रिया है, तो यहाँ से सैंपल की कार्रवाई गुणवत्ता जाँच को किया जा रहा है। अभी तक जैसे कि आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि राजनांदगांव में जो है मिलन स्वीट से भी खोवे का सैंपल लिया गया है, जहां से बड़ी संख्या में खोवा की डिमांड ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, वहां से भी गुणवत्ता जांच के लिए सैंपल्स लिए गए हैं। जलाराम में लिया जा रहा है। आज मिनी पेड़ा, जिसमें ज्यादातर होली के पर्व पर इसकी डिमांड होती है, आज वो क्वालिटी टेस्ट के लिए लिया जा रहा है। और इसके अलावा जो आटा मैदा बेसन के भी जो सैंपल्स हैं वो गुणवत्ता जांच हेतु लिए जा रहे हैं, क्योंकि होली के पर्व में बेसिकली इन्हीं चीजों से बने पकवानों की मांग ज्यादा रहती है।